दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मेरे साथ है शहबाजुद्दीन, जिसको कुवैत में आके आज पहली बार सैलरी मिला हुआ है कुवैत का। आप लोग देख सकते हैं हाथ में ऑलरेडी पैसा है, कितना सैलरी आया है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एंड इंडिया का कितना होता है। तो सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को आपका नाम बता दीजिए एक बार। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद शहबाजुद्दीन। आप कहाँ से हो इंडिया? मैं इंडिया आसाम से। तो कुवैत में आके आपका कितना दिन हो गया? कुवैत में आके मेरे को लगभग 2 महीने का आजू बाजू में आ रहे। तो ये जो आपको आज सैलरी मिला है, ये पहला सैलरी था कुवैत का? हाँ, ये पहला सैलरी मिला मुझे, फर्स्ट टाइम। कुवैत में क्या काम के लिए आए थे? मैं बाइक डिलीवरी के लिए आया था। तो अभी आपको बाइक का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि कुवैत में आने के बाद 1 से 1.5 महीना चला जाता है बाइक का लाइसेंस के लिए। मुझे बाइक का लाइसेंस आज ही मिला। तो ये जो सैलरी मिला आपको, ये बाइक डिलीवरी का सैलरी मिला या दूसरा काम का? मैं किचन में और काउंटर में हेल्पर का काम कर रहा था। तो आज का सैलरी आपको जो मिला, ये हेल्पर का जो सैलरी होता है वही मिला होगा? हाँ, वही हेल्पर का सैलरी मिला मुझे। तो मेरा व्यूअर्स को आप ये बता दीजिए कितना सैलरी मिला है आपको। बस मेरा हाथ में ही पैसा है, आप लोगों को मैं गिन के दिखा देता है। गिनने से पहले आप एक बार ये बता दीजिए, कुवैत में पहली बार सैलरी मिलके कैसा लग रहा है? पैसा तो मैं इंडिया में भी बहुत कमाया, लेकिन आज पहली बार कुवैत का दिनार मेरे हाथ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो दिनार है, सबसे पहले मेरा व्यूअर्स को दिखा दीजिए कौन सा 10 केडी है, कौन सा 5 केडी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहचानते हैं। वही आप मेरा हाथ पर है, ये 10 केडी का नोट है। ओके, ये 1 केडी का है। ओके, मेरा हाथ में और भी नोट है, ये 5 केडी का है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुवैत में जो सबसे बड़ा नोट होता है 20 केडी का नोट होता है। तो 20 केडी का नोट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 10 का है, 5 का है, 1 का है, उसके बाद दो और छोटा आता है 500 फिल्स और रुबा दिनार बोलते हैं हम उसे, 250 फिल्स। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कुवैत में कौन सा नोट कैसा है, कितना का नोट आता है। हम लोग शहबाजुद्दीन का जो सैलरी है ये गिन के देख ले। चलिए गिनना स्टार्ट कीजिए, हम लोग देखते हैं आपको कितना सैलरी मिला हुआ है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 131 मिला है। तो अभी आपको पता है इंडिया का जो रेट है कितना है? ये लगभग 131 है, कुवैती दिनार है, इंडिया का लगभग 34,000 का जैसा और है। तो आपको टोटल इंडिया का 34,000 रुपया मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी जब आप डिलीवरी जॉब में जाओगे, ये जो सैलरी है आपका, ये क्या बोला आपने, काउंटर और किचन हेल्पर का जॉब में मिला है? हाँ। तो डिलीवरी में जाओगे तो इससे ज्यादा मिलेगा? डिलीवरी में उससे ज्यादा ही मिलेगा, और क्योंकि ओवर टाइम भी मिलता है। तो इसमें आपका ओवर टाइम नहीं था, एक नॉर्मल सैलरी आपको मिला है। था, तो गाइस, ये जो सैलरी उनको मिला है, ये सैलरी है किचन और काउंटर का हेल्पर का सैलरी मिला था। क्योंकि कुवैत में जब पहली बार आते हैं, आने के बाद बाइक का लाइसेंस बनने में 1.5 से 2 महीना तक लग जाता है। अभी इतना टाइम अगर एक आदमी रूम पे बैठेगा तो कंपनी उसका रूम, खाने का सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर काम पे लगा दिया जाएगा तो सैलरी भी मिलता है। इनको जो भी मिला है सैलरी 34,000 रुपीज मिला है, जो उन्होंने काम किया उसका पैसा मिला है। बहुत ही जल्द उनको लाइसेंस भी मिल गया है, बहुत ही जल्द उनको डिलीवरी के जॉब का भी सैलरी मिलेगा, हम लोग आपको दिखाएंगे। अभी लाइसेंस भी मिला है, कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया है, क्या प्रोसेस में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।